Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So, आज हम करने वाले हैं MCQs of computer awareness chapter wise. So, first chapter के करेंगे start. First question है, the word computer has been derived from which of the following language? कौन सी language से जो है वो computer word derive किया गया है? सो वो डिराइव किया गया है लेटिन वर्ड से. ठीक है, सो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन फोर, दैट इज लेटिन वर्ड. उसके बाद में क्वेश्चन टू है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट. इनपुट मतलब जो डाटा हम उसमें डालते हैं कंप्यूटर में, आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है, या फिर जो प्रोसेसिंग होती है डिवाइस में, उसको इकट्ठा मिला के क्या बोलेंगे, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है. सो ऑप्शन फोर कंप्यूटर सिस्टम इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थ्री, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. सो कौन से इनमें से करेक्ट ऑर्डर हैं मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर के? फर्स्ट है प्रोसेसिंग आउटपुट इनपुट स्टोरेज, सेकेंड है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज. मतलब है कहने का, मतलब मेन फंक्शंस कंप्यूटर में पहले हम डाटा डालते हैं, मतलब इनपुट. ठीक है, जो हमें सबसे पहले किस में देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड में, एक फोर्थ में. उसके बाद क्या होता है, आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है या प्रोसेसिंग होती है. तो इसमें जो है वो आउटपुट है, इसमें है प्रोसेसिंग, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है. पहले इनपुट, पहले हम डाटा इनपुट कराते हैं, मतलब डालते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है उस पर, फिर रिजल्ट मिलता है, मतलब आउटपुट मिलता है, उसके बाद में वो स्टोरेज में सेव होता है. ठीक है, सो ऑप्शन फोर दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड. जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन वन दैट इज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर. कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, क्या कंप्यूटर क्या परफॉर्म नहीं कर सकता? तो वो है थिंकिंग. कंप्यूटर सोच नहीं सकता, वरना इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों ही कंप्यूटर में होती है, बट कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता. ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. सो कौन से फंक्शन जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर पाता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेक एंड केक, डिवीजन एंड नन ऑफ दी. सो बेक एंड केक, ठीक है, बेक एंड केक इज़ द राइट आंसर. बेक एंड केक नहीं कर पाता, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये तो कर ही लेता है. उसके बाद में क्वेश्चन सेवन है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर आर एग्जाम्पल ऑफ. किसकी एग्जाम्पल है ये? ये हैं प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन एट है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं? सो वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये इसका ऑप्शन वन जो है वो राइट आंसर है. उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, सो क्वेश्चन नंबर नाइन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज, जो डेटा प्रोसेस नहीं हुआ होता है उसकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है? उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डेटा ही बोलते हैं जो हम उसमें इनपुट कराते हैं. ठीक है, क्वेश्चन टेन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. सो ऑप्शन फाइव जो है वो इसका राइट आंसर है. डेटा को जो है इनपुट कराया जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, उसका जो हमें रिजल्ट होता है आउटपुट वो मिलता है और उसको हम स्टोर करते हैं. सो ऑप्शन फाइव डेटा इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन, दैट इज डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन. ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली हम एक बार पढ़ चुके हैं अभी. जो क्वेश्चन था कि मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा जिसको हम मीनिंगफुल बताते हैं, मतलब लाइक उसको क्या बोलते हैं, तो इन्फॉर्मेशन है ना कुछ ऐसा. तो वैसे ही ये है कि वो कौन सा मतलब डेटा को जब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और उसको फिर मीनिंगफुल वर्ड्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है. ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर. वो डेटा और इन्फॉर्मेशन मतलब जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को रन कराने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन इसका जो है नन ऑफ दीज, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है. हार्डवेयर भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए, पेरिफेरल सॉफ्टवेयर सब चाहिए, तो नन ऑफ दीज इसका जो है वो राइट आंसर आएगा.
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्टेप एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। सो इसका आंसर जो आएगा इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, कौन सा जो है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। सो ऑप्शन 2 एबेकस इज द राइट आंसर। उसके बाद में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15, एबेकस कैन परफॉर्म, क्या परफॉर्म करता है एबेकस। सो एबेकस जो है वो बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर, मतलब कि एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। सो इसमें राइट आंसर है बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द नैपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेटिंग, नैपियर्स टेक्नोलॉजी किसको मतलब कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है, तो वो है रेबडोलॉजिया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन बाय, पास्कलाइन को और किस नाम से जाना जाता है, एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये किया था जैकर्ड ने, ठीक है। उसके बाद में 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको बोला गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिक इंजन जो है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स बैबेज के थ्रू जो है वो डेवलप हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज डैश एज अ मेमोरी यूनिट, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, टैबुलेटिंग मशीन वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय, किसने डेवलप किया है टैबुलेटिंग मशीन को, सो इसको डेवलप किया है हार्मन हॉलरिथ ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, तो किसने जो है फर्स्ट डिज़ाइन किया था, सो इसका ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, प्रेस्पर एकिट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, वो कौन सा पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड करी, सो इसका आंसर है ऑप्शन 1 EDSAC, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सो कौन सा है, ये है UNIVAC, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, किस में होता था कंप्यूटर का साइज जो है बहुत लार्ज, तो वो होता था फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड थे ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सो ये बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स पे, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कंप्यूटर बिल्ड बिफोर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, जो कंप्यूटर बिल्ड हुए थे फर्स्ट जनरेशन से पहले वो कौन से कंप्यूटर थे, सो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ये है राइट आंसर इसका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे वो, सो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो लैंग्वेज यूज करते थे मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। उसके बाद में आपका है क्वेश्चन 30, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी उनकी जो स्पीड थी वो किस में थी, उनकी स्पीड थी माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज, मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, तो ये था आपका 1956 से 63 तक का, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन 32, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सो ये है आपका ऑप्शन सेकेंड एंड ऑल्सो सेकेंड जनरेशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेटेड चिप्स और ICs वर स्टार्टेड टू बी यूज फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सो मतलब जो इंटीग्रेटेड चिप्स है जिनको ICs भी बोला जाता है वो स्टार्टेड हुए थे फ्रॉम विच जनरेशन, मतलब कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन से वो स्टार्ट हुए थे, सो वो हुए थे
थर्ड जनरेशन से ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 35, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर, चिप मतलब किसको जो है कॉमन निकनेम दिया गया है, वो दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट को, आईसीज को, ठीक है। सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है 35, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, किससे बना था, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किससे बने थे, इंटीग्रेटेड सर्किट से बने थे, आईसीज से बने थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है थ्री, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज और चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, जो कंप्यूटर्स में आया जो है चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज जो यूज होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, सो वो बने होते हैं सिलिकॉन के, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, सो क्या बोला जाता है उनको, उनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 38, PCS are considered fourth generation and, so इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, माइक्रो प्रोसेसर्स। उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका 39, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, सो वो एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ऑप्शन फाइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, सो वो है सिद्धार्था, ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। 41, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वॉज डेवलप बाय, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था, सो वो हुआ था जॉन वॉन न्यूमैन के थ्रू, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। उसके बाद में हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप को किसने डेवलप किया, सो वो क्या था, जे एस किलबाय, ऑप्शन थ्री इज अ राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन 43, इन लास्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सो इसका राइट आंसर है बोथ वन एंड टू, मतलब कि ओनली पैरेलल एंड ओनली सिक्वेंशियल, दोनों में ही होता था, इसलिए इसका ऑप्शन थ्री जो है वो राइट आंसर है, बोथ वन एंड टू। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, जो माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर होते हैं उनमें कंसिस्ट होते हैं तीन बेसिक कैटेगरीज के फिजिकल इक्विपमेंट, वो कौन कौन से फिजिकल इक्विपमेंट हैं, वो हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसीज, सो कौन सी टर्म करती है, पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन असेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम, सो इसका राइट आंसर है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर ही वही कंप्यूटर होता है ना जिसको एक बंदा एक टाइम पे, मतलब एक ही पर्सन जो उस टाइम पे यूज़ कर सकता है, स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 47, टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी जो है वो किसकी टाइप है, वो है माइक्रो कंप्यूटर की टाइप, सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। 48, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूजर्स हु ट्रेवल आर नोन एज, जो ट्रेवल करते हैं इधर उधर उनके लिए कन्वीनियंट हो इधर उधर लेके जाना उसको यूज़ करना, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं लैपटॉप्स, वही लेके जाते हो अपने साथ में सारे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 49, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स को, और क्या बोला जाता है, सो इनको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, ऑप्शन फाइव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर हैंडल्ड ऑपरेशन सिस्टम, सो इसका राइट आंसर है APGA। सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs के कवर हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।